हार्ट होता है हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, और हार्ट हमारा होता है ये बना हुआ होता है कार्डियक मसल से। हार्ट इज मेड अप ऑफ होता क्या है हार्ट, हार्ट होता है हॉलो मस्कुलर ऑर्गन और आल्सो नोन एज पावरफुल पंपिंग ऑर्गन, पावरफुल पंपिंग ऑर्गन, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन पंपिंग ऑर्गन। और ये हार्ट किससे बना हुआ होता है कार्डियक मसल, और इसमें होता है ये हार्ट हमारा होता है मीजो एक्टोडर्म, दूसरे का नाम मीजो और एंडोडर्म। ये जो हार्ट हमारा है इट अराइज फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज व्हाई आई कैन से दैट द हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। हार्ट क्या होता है मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है बिकॉज इट अराइज फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो कहां से अराइज होता है हमारा हार्ट मेसोडर्म से, दैट इज व्हाई आई कैन से दैट द हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। नंबर और जो स्पेशलिस्ट होता है हार्ट नाउ हम हार्ट की स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बोलूंगा कि कहां से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कहां पे पहुंचता है और वो फिर बाकी पार्ट्स तक कैसे ब्लड पहुंचाता है। नंबर वन ये है राइट एट्रियम, यहाँ राइट एट्रियम से क्या होता है यहाँ से ये क्या है सुपीरियर सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर और इंटीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इंटीरियर वेना कावा, जो सुपीरियर वेना कावा होता है ये हमारी पॉलीसेक्रेटरी है, पॉलीसेक्रेटरी से ऊपर जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको कैरी कौन करता है, जो भी पॉलीसेक्रेटरी के ऊपर से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको कैरी कौन करता है सुपीरियर वेना कावा, और जो एब्डोमिनल कैविटी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको कैरी कौन करता है इंटीरियर वेना कावा। जो स्पीयर वेना कावा से क्या जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर वाले पार्ट से क्या जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और नीचे वाले पार्ट से भी क्या जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे पहुंचेगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। इसके बाद में जो दो चैंबर्स को डिवाइड करता है दैट इज राइट आरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, राइट आरिकल एंड लेफ्ट आरिकल, लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट राइट आरिकल और लेफ्ट आरिकल के बीच में जो सेप्टम होता है जो इन दो चैंबर्स को डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर सेप्टम जो होता है सेप्टम इज अ वॉल दैट डिवाइड्स द टू चैंबर्स, दैट डिवाइड्स द टू चैंबर्स, इट मींस दैट्स को क्या बोलते हैं इंटर एट्रियल, इंटर एट्रियल सेप्टम। और यही सेप्टम दूसरे वेंट्रिकल में भी ऐसे होता है, वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दो चैंबर्स को जो डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकल, इंटर वेंट्रिकल। और जो दो इन चारों चैंबर्स को डिवाइड करता है ये दो राइट राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के चैंबर्स को डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, और जो वेंट्रिकल को डिवाइड करता है सेप्टम उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। जो आप इन चार चैंबर्स को डिवाइड करेगा दैट इज दिस आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसको हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मैम ने ये जो सेप्टम होता है इसको हम बोलते हैं आरिक्युलो वेंट्रिकुलर, इसको हम बोलते हैं आरिक्युलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जो सुपीरियर वेना कावा से क्या जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्ट ऑफ बॉडी, इंफीरियर वेना कावा से आएगा जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी होगा वहां से आएगा डीऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे पहुंचेगा राइट आरिक्युलो। Thank you.
Yes, I do. Yes, I do. Right? It means that when deoxygenated blood comes from the superior vena cava and inferior vena cava, that stores the right atrium, and then this auriculoventricular septum, is guided by a septum. That septum is known as tricuspid. इसके माध्यम से आप ये ब्लड कहाँ पे पूछेगा? राइट वेंट्रिकल में भी क्या आ जाएगा? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड. अब राइट वेंट्रिकल में भी क्या पूछेगा? डीऑक्सीजिनेटेड. यहाँ पे एक वेलो होता है, जिसका हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वेलो. क्या बोलते हैं उसको? सेमी ल्यूनर वेलो. यहाँ पे क्या पाया जाता है? सेमी ल्यूनर वेलो. यहाँ पे पाया जाता है सेमी ल्यूनर वेलो. यहाँ सेमी ल्यूनर वेलो से क्या होता है? यहाँ से अराइज होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी. सेमी ल्यूनर वेलो से क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी. आर्टरीज कैरी क्या करते हैं? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. Arteries carry oxygen. Here is the exception of this. Pulmonary arteries kya kaam karti hai? Arteries carry oxygen. Arteries carry oxygen. Magar yahan pe exception of this hai. Yahan pe pulmonary artery. Pulmonary artery kya kaam karti hai? It carries deoxygenated blood. Yahan pe carry kya karte hai? It carries deoxygenated blood. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से निकल कर कहां पहुंचेगा? हमारे लंग्स में. लंग्स में. अब लंग्स में एक चीज और जिसको हम बोलते हैं एलिवोला. क्या बोलते हैं उसको? एलिवोला. एलिवोला में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एलिवोला. एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे होता है? एलिवोला में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यस मैम. रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया ना? यस मैम पढ़ा. बहुत लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एलिवोला. वहां पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे पहुंचा? एलिवोला में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा. वहां पे क्या हो जाएगा? इसकी एक्सचेंज हो जाएगी. इट मींस दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट मींस दैट लंग्स में क्या हो जाएगी? प्यूरिफिकेशन. प्यूरिफिकेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड. ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मान लो कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आकर कहां पहुंच जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम में भी ऐसे एक वेल होता है, इसको क्या हम बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वेल. इसको भी बोलते हैं सेमी ल्यूनर वेल. हाफ सेमी मींस ल्यूनर हो गया मून. हाफ मून है. सेमी हो गया हाफ. हाफ सेमी ल्यूनर का वेल होगा और बोलेंगे सेमी ल्यूनर. तो जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफिकेशन हो गई, लंग्स में क्या बन गया? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वीनस कैरी. वीनस क्या क्या करती है? वीनस कैरी डीऑक्सीजनेटेड. वीनस करती है कैरी डीऑक्सीजनेटेड. मगर यहाँ पे भी एक्सेप्शन ऑफ केस है. यहाँ पे आती है हमारी पल्मोनरी वीन. क्या आती है? ऑक्सीजनेटेड वीन. पल्मोनरी वीन. यहाँ पे पल्मोनरी वीन मीनस क्या कैरी करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं. मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन ऑफ केस है पल्मोनरी वीन जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जैसे ही इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा. अच्छा सुशील उन्होंने क्लास में हो तो पल्मोनरी आर्टरी ओपनिंग इनटू द pulmonary artery. Pulmonary vein opens into the right auricle. Pata volume kam rakho, volume kam rakho.
the right atrium. Pulmonary vein opens into right? Left. Left atrium. Pulmonary vein का भी open होता है. इस left atrium में भी यहाँ पे जो होता है auriculoventricular septum. This septum with the, that divide the four chambers. यहाँ पे जो होता है ये auriculoventricular septum. This auriculoventricular septum is also guided by a sphincter. That sphincter is known as bicuspid valve. That sphincter is known as bicuspid valve. Also known as mitral valve. Also known as mitral valve. जैसे ही यहाँ से ये deoxygenated blood कहाँ पे आ जाएगा? अब right ventricle. किसके माध्यम से? Bicuspid valve. यहाँ पे क्या पहुंच गया? Oxygenated blood. इसमें left ventricle. यहाँ से निकलेगा आपका aorta, जो body part तक वो oxygenated blood चलेगा. आगे किसी को पूछना है कुछ इसको? पूछना है तो पूछ सकते Now, इस राइट एट्रियम में क्या पाया जाता है? SA node. क्या पाया जाता है? SA node. ये SA node कहाँ पे पाया जाता है? At the upper corner. At the upper corner of right atrium में क्या पाया जाता है? SA node. That is sinoatrial node. Sinoatrial node. At the upper corner of right atrium present SA node. ये SA node क्या काम करता है? ये SA node काम करता है generate करता है action potential. क्या जनरेट करता है? एक्शन पोटेंशियल.